हेलो सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आज का पेपर आप लोगों का बहुत बेहतरीन गया। बच्चे लोगों का फीडबैक सुन के बहुत अच्छा लगा कि सबका सब पेपर जो है हमारे मैथ थ्योरी के से आया है था, और पूरा का पूरा पेपर बहुत आसान था। बच्चों ऐसा बोल रहे हैं कि सर मेरा 60+ तो पक्का है लॉ में। चलिए लॉ का हम तो फटाफट से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ लॉ, अपना होगा अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉइंट नंबर ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जुडिशियल सारा का सारा होगा ये, पॉइंट नंबर बी। टू का जो है, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर डज हैव फेडरल कंट्री, पता है तुमको, अपने को पता है ये 368 होगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पर 34, अपने को पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का कितना टोटल मिला के जज है, 34। ठीक है, ओके सर, 34 क्वेश्चन नंबर 5 सर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर मैं पहले बता दूं, मैं एक एनालाइज करके पूरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं क्वेश्चंस का आंसर क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब चीज के बारे में डिस्कस करूंगा। अभी बस खाली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी अभी आप एग्जाम दे के आए हो, बस खाली आप अपना आंसर देखते जाना। सर ये जो टिक किया वही है क्या? नहीं, ये स्टूडेंट का है, ये गलत भी हो सकता है, ठीक है। मैं अपने हिसाब से मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है पॉइंट नंबर डी है, फ्रॉड होगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपका होगा एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट, कंसीडर टू बी फॉलोइंग एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, ये सब चीज बोला है। और क्या बोला, प्रॉमिसेस मेड विदाउट इतना, द आंसर इज होगा पॉइंट नंबर ए। मतलब यहाँ पे दोनों चीज होगा, दोनों चीज को हम लोग क्या मानेंगे, फ्रॉड माना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद एक क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका हुआ द मास्टर आस्क ना, ये होगा तुम्हारा अंडू इन्फ्लुएंस, पॉइंट नंबर बी। अ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ द टर्म कंसेस एट एंड, ये तो पता है तुमको, मीटिंग्स ऑफ माइंड्स को बोलते हैं क्या। द फाइंडर ऑफ गुड्स कैन बी कैंसिल द रिवॉर्ड, ये पॉइंट नंबर सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन क्या होगा, पॉइंट नंबर सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लाइड, तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में सारा का सारा ये बाउंड टू पे कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन, इतना पॉइंट नंबर ए डी होगा, ठीक है। इंस्टीट्यूट के बैठ का क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है व्हेन द बोथ द पार्टी आर एग्रीमेंट एंड द मिस्टेक ऑफ द मैटर, ये होगा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, क्या हो जाएगा, वॉइड, क्या हो जाएगा बताओ, वॉइड। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करूं मैं, तो पर्सन कॉन्ट्रैक्टेड टू डिलीवर अ पार्ट ऑफ स्पेसिफिक क्रॉप ऑफ पोटैटोज, पोटैटोज वेयर डिस्ट्रॉयड, एंड द आंसर इज क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर इज पॉइंट नंबर ए, वैलिड। अच्छा, बोरो ए ए बोरो फ्रॉम बी 500 रुपीज टू बेट विथ सी, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा तुम्हारा नो, द एग्रीमेंट इज वेगरिंग का एग्रीमेंट, एग्रीमेंट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा इफ द प्रपोजल हैज बीन एक्सेप्टेड सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन देन, पॉइंट नंबर सी होगा, क्या आंसर होगा बताओ, पॉइंट नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 तुम्हारा आंसर है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, अच्छा आंसर इज करेक्ट, आंसर पॉइंट नंबर डी होगा, ठीक है। अच्छा, 16 के बाद अपने आते हैं 17 में। 17 जो है अपना, 17 जो है द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अफेक्टेड, वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज अफेक्टेड, पॉइंट नंबर बी, मिस्टेक ऑफ द इंडियन लॉ, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 18 जो है अपना इन द वेकरिंग एग्रीमेंट, तुम्हारा जो है डी जो होगा, आंसर क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है पॉइंट नंबर ए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा पॉइंट नंबर ए। क्वेश्चन 21 का आंसर है आपका पॉइंट नंबर ए, ठीक है। 22 का आंसर है अपना पॉइंट नंबर बी। क्वेश्चन 23 का आंसर है पॉइंट नंबर डी। 24 का आंसर है आपका पॉइंट नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है पॉइंट नंबर डी, ठीक है। इंस्टीट्यूट के मैथ से बहुत सारे सब्सटेंशियल क्वेश्चंस आपके इंस्टीट्यूट के मैथ से आया था, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ था इंस्टीट्यूट को, स्टूडेंट्स को। तो आंसर इस क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा पॉइंट नंबर डी। क्वेश्चन 27 के बारे में बात करूं तो आंसर होगा बी नंबर पॉइंट। 28 के बारे में बात करूं तो 28 द सेल ऑफ गुड्स डिफाइंड द बायर, बायर द पर्सन हु बायज एग्रीज टू बाय, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 का सी होगा, द कैन दे आइडेंटिफाई एनी ऑड वंस अमंग द फॉलोइंग, आंसर इज हो गया ऑन। अच्छा देखो, स्पेसिफिक फ्यूचर ये सब तो एक टाइप का है, तो आंसर होगा पॉइंट नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन 29 का आंसर क्या होगा, पॉइंट नंबर सी। 29 के बाद 30, 30 नंबर क्वेश्चन में बारे में बात करूं तो क्वेश्चन 30 का आंसर होगा पॉइंट नंबर ए, और 31 का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा पॉइंट नंबर ए, और 32 का आंसर है, 32 का आंसर है पॉइंट नंबर ए, और 33 का आंसर है, 33 का आंसर है पॉइंट नंबर बी। मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है आप लोगों के लिए। मैं बता दूं, मैं अभी खाली बस अपना आंसर चेक कर लो एक बार, ताकि अपने को सहूलियत मिले कि आपको कितना मिल रहा है। नीचे कमेंट बॉक्स में डाल के अपना बता देना कि भैया सर, भैया मेरा इतना तो मेरा फिक्स हो गया सर, ठीक है। तो जरूर जरूर से बताना भाई, कमेंट बॉक्स में बताना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन 34 का आंसर है पॉइंट नंबर बी। 35 का आंसर है, 35 का आंसर है पॉइंट नंबर सी। 36 का आंसर है, 36 का आंसर है पॉइंट नंबर बी। 37 का आंसर है, 37 का आंसर है पॉइंट नंबर सी। 38 का आंसर है, 38 का आंसर है पॉइंट नंबर सी।
39 का आंसर है, 39 का आंसर है पॉइंट नंबर ए, 40 का आंसर है आपका पॉइंट नंबर बी, 41 का आंसर है, 41 का आंसर है पॉइंट नंबर सी, 42 का आंसर है पॉइंट नंबर ए, 43 का आंसर है, 43 का आंसर है पॉइंट नंबर बी, 44 का आंसर है आपका पॉइंट नंबर सी, 45 का आंसर है पॉइंट नंबर बी, 46 का आंसर है पॉइंट नंबर ए, 47 का आंसर है पॉइंट नंबर डी, 48 का आंसर है आपका पॉइंट नंबर बी, एंड 49 का आंसर है पॉइंट नंबर सी, एंड पॉइंट नंबर 50 का आंसर है पॉइंट नंबर बी। आई होप आप लोगों का सब्सटेंशियल क्वेश्चन सही होगा जैसे इस स्टूडेंट्स का हुआ है, 60+ आना है। तो आप अपने मेरे से इस कमेंट बॉक्स में जरूर से आप बताइए कि आपका आंसर कितना है, आपका मार्क्स कितना आ रहा है। ठीक है, मिलते हैं फिर, बाय, थैंक यू। अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए।